So I'm assuming that my screen is visible to everyone. For a couple of days for this week, we're going to have relatively shorter classes. So we're going to conclude the session at 9 o'clock. This is primarily because I have a relatively sore throat, but I was interacting with a couple of students and I'm realizing that so far as your constitution law practice and coverage of syllabus is concerned, considering that we are going relatively slow in light of the MP judiciary exam that has been announced of late, what I'm going to do immediately after the class is that by tomorrow, I'll be sending those notes for uploading. And by tomorrow, you will realize that a couple of my handwritten notes, so far as the topics of the state parliament, state legislature, etc. are concerned, you'd find a copy of those notes on the constitution course of the LMS itself. So that if you're preparing on your own or if you want to go a step further in comparison to the pace of the class, you're able to do so. So give me time till tomorrow, end of the day. Definitely you will find these concepts which would be uploaded in the PDF format on your LMS itself. Now, the topic that we are going to cover in today's class is going to be right to equality. This right is primarily covered in the Constitution of India within Articles 14, 15, 16, 17 and 18. Thereafter, as we have already been following a chronological order so far as covering various provisions of the Constitution is concerned, right to equality ko cover karte hue, hum immunity of President and Governor ki taraf thoda sa rukh badlenge aur parliamentary privileges ek concept hai jisko detail mein cover karenge. इसके बाद हम फंडामेंटल फ्रीडम्स के ऊपर आएंगे एंड फाइनली आर्टिकल 14 एंड 19 वी विल रीड इन अ वेरी बैलेंस्ड फैशन विथ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बिफोर कवरिंग द लेफ्ट आर्टिकल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट आर कंसर्न. सो ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड विद राइट टू इक्वालिटी ऑफ द विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब राइट टू इक्वालिटी की अगर हम बहुत ही ऑन द फेस ऑफ इट बात करें तो आर्टिकल 14 जो है जो अपने टाइटल से ही बताता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ कि ये एक ऐसा आर्टिकल है जो अपने टाइटल के अंदर ही वर्ड इक्वालिटी यूज करता है. हमें अगर आर्टिकल 14 के बारे में थोड़ा भी आइडिया है तो हम जान सकते हैं कि इस पूरे आर्टिकल को डिवाइड किया जा सकता है दो हिस्सों के अंदर, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, जिसके मीनिंग्स को आज हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखेंगे. बट लेट मी स्टार्ट द स्टोरी विद एन एक्साइटिंग फैसेट. यू नो व्हेन आई एंटर्ड द थियोस ऑफ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर, दैट इज जब मेरा पहला दिन था उस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैंने देखा कि उनके गेट के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड है जो कहता है नो मैटर हाउ हाई यू आर द लॉ इज अबव यू. आप कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, लॉ आपसे ऊपर है. यही क्रक्स है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी, जो सेंटर्ड है अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ. इस कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ को हमने तब भी देखा था जब हमने फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 को एक बहुत ही प्रिलिमिनरी फैशन के अंदर डिस्कस किया था, विच वाज जो आपका ऑनबोर्डिंग सेशन है या जो आपका इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेशन है, वहां पर आपको रूल ऑफ लॉ के बारे में थोड़ी और डिटेल्स मिल सकती है. बट कमिंग टू आई रिमेम्बर द इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेशन, जब वो शुरू किया गया था तब भी आपसे इन दो वर्ड्स के मीनिंग पूछे गए थे, लेक्स रेक्स एंड रेक्स लेक्स. सो एनीवन वांट्स टू क्विकली रिवाइज इट एंड टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म लेक्स रेक्स और रेक्स लेक्स. इन दोनों वर्ड्स, इन दो टर्म्स के अंदर डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? मैम, वन इज रूल ऑफ लॉ एंड सेकंड वन इज लॉ ऑफ रूल. मतलब कि एक तो जो राजा है वो लॉ बनाता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, और एक है कि देयर इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू फॉलो दैट. सो द वन इज आर्बिट्ररी इन नेचर एंड अदर वन इज नॉट आर्बिट्ररी. गुड. सो लेक्स रेक्स, लेक्स मींस लॉ, रेक्स मींस किंग. लॉ इज द किंग व्हिच इज योर रूल ऑफ लॉ. And second is Rex Lex, king is the law, which is almost always the case where a country is not following the pattern of a democracy. Ab rule of law ke teen fundamentals hain. Pehla ye, that a man is to be punished only for the violation of law established in an ordinary court.
बिना वायलेशन ऑफ लॉ के एक आदमी को पनिश नहीं किया जा सकता. आर्बिट्ररी पनिशमेंट इज नॉट अ फैसेट ऑफ रूल ऑफ लॉ. द सेकेंड इज ऑल पर्संस आर टू बी सब्जेक्टेड टू ऑर्डिनरी कोर्ट्स. इसका एक एक्सेप्शन हम देखेंगे आर्टिकल 361 के अंदर आज ही की क्लास में. बट यूजली द स्टैंडर्ड इज दैट ऑल पीपल हु आर द सिटीजन ऑफ अ कंट्री और ऑल ऑर्डिनरी पीपल हु आर रिजाइडिंग विद इन द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट आर टू बी सब्जेक्टेड to the same level of courts. And the third, of course, is constitution is supreme. That is your rule of law. That is your lex rex. That law is the king and everything is under the constitution. रूल ऑफ लॉ के कुछ फैसेट्स को स्पेशली हमने देखा जब हम रिट ज्यूरिस्डिक्शन को कवर कर रहे थे आर्टिकल 32 और 226 के अंदर. अदरवाइज ऑल्सो ये एक इतना बेसिक फंडामेंटल है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का कि इसे आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्ट्रिन से बाहर अदरवाइज भी नहीं रख सकते. देर आर सर्टन एक्सेप्शंस the concept of rule of law. We all are well versed with the diplomatic immunity that is provided to diplomats under the Vienna Convention of which procedures hote hain jo har country mein foreign diplomats ko immunity provide karte hain. The second exception to the principle of rule of law is article 361 of the constitution of India jisko aaj hum thoda sa detail mein padhenge. Iske upar questions kafi puche jate hain aapke exams ke andar. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एक ऐसा टॉपिक है जो आइडली एक एक्सेप्शन फॉर्म करता है फंडामेंटल राइट्स की सॉरी फंडामेंटल फ्रीडम्स की आर्टिकल 19 के अंदर पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. बट उसको भी इसी कोर्स ऑफ लेक्चर्स के अंदर बिफोर स्टार्टिंग विद फंडामेंटल फ्रीडम्स वील बी कवरिंग. सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू वॉट आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 स्टेट्स लेट्स टेक अ लुक एट दिस ब्लेटेंट एक्सेप्शन टू रूल ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. I request all of you to come to Article 361. Article 361 is a very important article, particularly from your preliminary examination point of view. काफी बार आपको यहाँ पर इसके बारे में questions आते हैं और जब भी आपको Article 14 के ऊपर एक question आए, you have to give this particular exception, नहीं तो आपका answer जो है वो अधूरा है. Usually हम Article 14 के questions को जब descriptive questions को answer करने की कोशिश करते हैं, तो हम intelligible differentia और reasonable classification इन दो टर्म्स को डिफाइन करते हैं या इक्वालिटी इक्विटी जस्टिस इन तीन टर्म्स को डिफाइन करके अपना आंसर पूरा कर देते हैं. बट इफ यू आर नॉट गिविंग दीज एक्सेप्शंस और दीज थियोर्स टू आर्टिकल 14 आर आंसर इज डेफिनेटली इनकम्प्लीट. एंड आर्टिकल 14 इज वन ऑफ दोज एरियाज जिसपे मेन्स में भी आपको कई बार बहुत ही स्टैंडर्ड क्लीशे क्वेश्चंस आते ही हैं. तो अगर आप इसके ऊपर एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर कर सकते हैं नथिंग लाइक इट. नाउ लेट्स गो थ्रू व्हाट आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज. क्लॉज 1 एंड 2 आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. आर्टिकल 361 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स एंड राज प्रमुख्स. क्लॉज 1 स्टेट्स द प्रेसिडेंट और द गवर्नर और राज प्रमुख ऑफ अ स्टेट very important shall not be answerable to any court for the exercise of performance of the powers and duties of his office or for any act done or purporting to be done by him in the exercise of their of the performance of those powers and duties. So far as the president and governor are concerned, they are not accountable so far as the exercise of their executive functions are concerned. It says provided that the conduct of the president may be brought under review by any court, tribunal or body appointed or designated by either house of the parliament for the investigation of a charge under article 61. Would anyone want to tell me what does article 61 of the constitution says? Again, a very famous ma'am, procedure for impeachment of the president. Good. Can you tell me which are those, a quick quiz question, which are those entities in the constitution of India which can be subjected to impeachment? Raju, you have unmuted yourself. You might want to tell. Yes, ma'am. Judges of Supreme Court and High Court, President. Judges की impeachment कहाँ है constitution में? I think 124 or something. खोलो 124.
ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली द वर्ड इज नॉट यूज्ड एग्जैक्ट एज इम्पीचमेंट बट इट इज सिमिलर टू द यू नो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट सो देयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इम्पीचमेंट ऑफ ओनली वन ऑफिस और वन एंटिटी व्हिच इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो जजेस हैं उनका रिमूवल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनकी इम्पीचमेंट नहीं है उनकी इम्पीचमेंट जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर है तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कमिंग बैक टू दिस तभी यहाँ पर बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स अपनी एक्सरसाइज करते हुए अगर एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है आर्टिकल 61 के साथ मतलब इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के साथ तब प्रेसिडेंट को या प्रेसिडेंट के कंडक्ट को आंसरेबल या अकाउंटेबल बनाया जा सकता है अदरवाइज नॉट इट फर्दर सेज दैट प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज रिस्ट्रिक्टिंग द राइट ऑफ एनी पर्सन टू ब्रिंग अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट यू कैन सी दैट व्हेनेवर देयर इज अ वायलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स राइट ऑलमोस्ट इन स्पेशली अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज ऑलमोस्ट द मैटर अ लॉट ऑफ टाइम्स इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री और द गवर्नमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट दैट कैन बी डन बट while performing their duties can the president and the governor be made personally liable the answer to it is no clause 2 talks about criminal proceedings it essentially says no criminal proceedings whatsoever shall be instituted or continued against the president or governor of a state in any court during his term or a term of office So, no criminal proceeding can be instituted against a governor or a president until his term of office is in place. Similarly, Clause 3 tells you that no process for arrest or imprisonment of the president or the governor of a state shall issue from any court during his term of office. So, just like a criminal proceeding cannot be initiated, similarly, while the term of the office of president or the governor is going on, no process for arrest or imprisonment can also be initiated. Then there is a slight leeway when it comes to civil proceedings. Civil proceedings can be initiated. These could be proceedings which are contractual in nature or with respect to the law of torts per se or any other civil proceeding for that matter also. Clause 4 आपको बताता है कि civil proceedings को initiate किया जा सकता है पर 2 month के notice period के बाद ही दिस इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसके ऊपर इस क्लॉज के ऊपर आपको क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको सिविल वर्ड को चेंज करके क्रिमिनल दे दिया जाएगा और उसमें 2 months के नोटिस का एक लीवे रखा जाएगा सो लेट्स गो थ्रू दिस पर्टिकुलर क्लॉज ऑल्सो इट सेज नो सिविल प्रोसीडिंग्स इन विच रिलीफ इज क्लेम्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज term of office in any court in respect of any act done or purporting to be done in his personal capacity whether before or after he entered upon his office as president or as governor of such state very important until the expiration of 2 months next after notice in writing has been delivered to the president or the governor as the case may be or left at his office stating the nature of proceedings the case of action therefore the name description and the place of residence of the party by whom such proceedings are to be instituted and relief which he claims to kisi bhi civil matter ke liye prior 2 months ka notice dena zaruri hai now let's come to the right to equality under part 3 of the constitution of india again pehle jo simple articles hain unko khatam कर देते हैं क्योंकि डेफिनेटली हमारा जो स्कोप ऑफ डिस्कशन है व्हेन इट कम्स टू 14 15 एंड 16 इज गोइंग टू बी वेरी वाइड तो एक बार लेट्स जस्ट टेक अ वेरी क्विक लुक एट व्हाट 17 एंड 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज सो दैट वी आर थ्रू विद दीज टू हेडिंग्स ऑफ राइट टू इक्वालिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बट इससे हमें यह पता चलता है कि राइट टू इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में 5 articles कवर करता है 14 जो कि आपका एक टाइटल इंडिकेटिव या इंट्रोडक्टरी आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी की तरफ 15 जो कि प्राइमरीली प्रोहिबिशन प्राइमरीली डिस्क्रिमिनेशन बार करता है पर्टिकुलरली इन पब्लिक प्लेसेस और इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर्टिकल 16 जो कि रिजर्वेशंस की बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर
आर्टिकल 17 विच टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड फाइनली आर्टिकल 18 विच डील्स विद अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट आर्टिकल 17 विच टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. हमने ये अपनी क्लासेस के शुरू में भी डिस्कस किया था दैट फंडामेंटल राइट्स आर प्राइमरली नेगेटिव राइट्स इन नेचर. ये आपको ये नहीं बताते हैं कि आपको करना क्या है या आपके राइट्स क्या हैं. ये स्टेट्स के ऊपर, ये स्टेट के ऊपर यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर या पब्लिक अथॉरिटीज के ऊपर एक प्रोहिबिशन है कि क्या नहीं होना चाहिए इन प्रैक्टिस. उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, एक नेगेटिव राइट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आर्टिकल 17 है विच टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. इट सेज अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड इट्स फॉर्म इज फॉरबिडन. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law. अब मुझे ये बताओ, अगर ये एक negative right है जो article 17 में दिया गया है, तो आपके actual rights definitely किसी legislation के अंदर होंगे. Quiz question, कौन सी वो legislation है जो untouchability को abolish करती है? You can quickly Google an answer, but these are the questions you should definitely know. These are very standard, जो बहुत ही जैसे free markers होते हैं, ये वो questions हैं. मैम, SCST Act 1989, Prevention of Atrocities. It doesn't per se abolish untouchability, but you can say that it's a facet जो इस act के अंदर जो इस आर्टिकल को कवर करता है, बट प्राइमरली अनटचेबिलिटी को. राजू, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स. राजू वाज सेइंग समथिंग. मैम, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट. गुड, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट. सो 1955 के अंदर अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट आया, जिसका एक मॉडिफाइड वर्जन आज की डेट में है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, जो अनटचेबिलिटी को डिफाइन करता है और उसको, उसके अबॉलिशन को एक राइट की तरह बताता है. नाउ आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. इट एसेंशियली टेल्स यू, एंड दिस आर्टिकल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, क्योंकि इसके अंदर कुछ माइनर कैचेस हैं. क्लॉज 1 सेज नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और अकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कॉन्फर्ड बाय द स्टेट. So definitely military or academic distinctions can be given. A doctor, a PhD can use, a doctorate can have suffixes in front of their names. Military titles like Paramveer Chakra and those jo military mein aapko samman diye jate hain, wo allowed hain is clause ke through article 18 ke andar. Clause 2 says no citizen of India shall accept any title from any foreign state. Very important. So ye jo जो टाइटल्स मिलते हैं, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उसने टाइटल दिया, या फिर शाहरुख खान को दुबई गवर्नमेंट टाइटल्स देती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये टाइटल्स जो हैं, ये आप जब ये आप नाम के लिए आपको कॉन्फर कर दिए जाते हैं, बट यू कैनॉट एक्सेप्ट देम, यू कैनॉट ब्रिंग देम बैक. इसका एसेंशियली मतलब ये है, जैसे पुराने जमाने में बिफोर इंडिपेंडेंस सर, योर लॉर्डशिप, या फिर जमींदारों को ये जो लॉर्ड्स के टाइटल्स दिए जाते थे, इनको अबॉलिश करने की तरफ, इस प्रैक्टिस को खत्म करने की तरफ ये जो आर्टिकल है इसका ओरिजिन हुआ, या फिर इस आर्टिकल का रैशनल मिलता है. सो व्हेन दीज इंडिविजुअल्स गो एंड एक्सेप्ट टाइटल्स, इफ दे आर मिलिट्री और अकेडमिक टाइटल्स, दे कैन एक्सेप्ट दोज टाइटल्स इवन फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट. बट व्हेन इट कम्स टू टाइटल्स लाइक योर लॉर्डशिप, सर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, those titles are not allowed to be conferred upon an Indian individual by a foreign state also. The next catch is, what happens when a person is not a citizen of India, but he is holding an office of either profit or trust in India, and if he is being conferred or she is being conferred a title by a foreign state. ऐसे केसेस के अंदर वो टाइटल को confer, उसका जो जो टाइटल है उसे accept सिर्फ तब कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट का एसेंट वहां पर दिया हो. काफी बार आपको इस क्लॉज के ऊपर क्वेश्चन आता है, सो मेक श्योर दैट यू आर अंडरलाइनिंग द वर्ड प्रेसिडेंट हियर. इट सेज नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल व्हाइल ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट.
So an Indian citizen is not allowed to accept any title at all from a foreign state, barring a military or an academic title. But so far as a foreign individual is concerned, until he is serving the office of prophet, he has to take, or a trust, he has to take the consent of the president. And finally, clause 4 here states, no person holding any office of prophet or trust under the state shall, without the consent of the president, accept any present, emolument, or office of any kind from or under any state. So here also, so far as accepting any, it read the terms present, emolument, or office here also as military and academic titles. They cannot be accepted unless there is a consent of the president towards the same. So I hope we are clear with this particular article. But I have one question. बहुत बार जब हम देखते हैं जैसे yes Raju. मैम जैसे कि भारत रत्न मिला है किसी को तो वो यूज कर सकते हैं. हाँ, so मेरा भी आपसे आप सबसे यही क्वेश्चन है कि कई बार हम देखते हैं जैसे पद्मश्री लालू प्रसाद यादव या फिर पद्म भूषण सो एंड सो, पद्म विभूषण ये, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर या भारत रत्न अब्दुल कलाम. तो काफी बार हम देखते हैं कि लोगों के नामों के सामने ये सफिक्सेस या प्रीफिक्सेस होते हैं. इनका क्या सिग्निफिकेंस है? डजंट दैट गो अगेंस्ट आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? एनीवन? दिस इज बोथ माइन एंड राजूज क्वेरी. आई हैव रेड अबाउट इट. देयर इज अ केस कॉल्ड Balaj Raghavan versus Union of India, wherein it was held that national award are not title in this article, you know, 18. अच्छा, तो तुम्हें आंसर आता था, तुम मेरी नॉलेज टेस्ट करने के लिए पूछे. नहीं टेस्ट नहीं मैम, मैं एक डाउट भी था, मेरे फ्रेंड ने मेरे से पूछा था तो मैंने इसको रीड किया था थोड़ा, इसलिए मैं. हाँ हाँ राजू, आई एम नॉट जजिंग योर इंटेंशन, मैं मजाक ही कर रही हूँ. सो कमिंग बैक, यस दीज आर अवार्ड्स, दीज आर नॉट टाइटल्स. Ideally, a person who has been conferred upon such an award is not allowed or is not required to be prefixing these awards in front of their names. However, there is no law as such which also bars it. But क्योंकि ये awards हैं, तो ये Article 18 की category में नहीं fall करते हैं. Article 18 में primarily जो titles की हम बात कर रहे हैं वो जैसे जमींदारों को titles दिए जाते थे पुराने जमाने में, या जो ये sir, knight, legendary honor, ऐसे जो titles होते हैं जो आप अपने नाम के आगे use कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट जाते हैं. इस कैटेगरी में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री एटसेट्रा वो नहीं फॉल करते हैं, बिकॉज दे आर प्राइमरली ऑफ द कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स. So Raju has given the answer to his question on his own also. These are awards and these are not titles. Now let's come to Article 14 of the Constitution of India, जो बिल्कुल ही Article 21 की तरह अपनी language में सबसे छोटा है पर अपनी interpretation में सबसे ज्यादा बड़ा है. In fact, ये एक ऐसा article होने वाला है जिसके हम बहुत सारी case laws पढ़ने वाले हैं. In terms of कुछ केस लॉज ऐसी हैं जिनके हम फैक्ट देखेंगे जहां पर जरूरी है, और कुछ केस लॉज ऐसी जिनका सिर्फ हम रेशियो यूज करेंगे अपने आंसर राइटिंग की तरफ. बट इस बैकग्राउंड के अंदर आर्टिकल 21 से ही बहुत ही मिलता जुलता एक आर्टिकल, आर्टिकल 14, विच टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ लॉ. प्राइमरीली ये आर्टिकल को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज. आज की हमारी क्लास में टारगेट ये रहेगा कि हम इन दो टर्म्स को अच्छे से समझें, बट उससे पहले इक्वालिटी बिफोर द लॉ की जो कॉन्टेक्स्ट है, जो वर्डिंग्स है, उसको एक बार पढ़ते हैं. इट सेज द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इस पूरे आर्टिकल को आप छह हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर मुझसे मेरे दो फेवरेट स्टैट्यूट के सेक्शंस या आर्टिकल्स पूछा जाए तो एक आर्टिकल 14 है, ये मुझे कभी नहीं भूलता, और एक है थेफ्ट का जो सेक्शन है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन डिसऑनेस्टली, जो भी है वो, मतलब उसके जो कॉम्पोनेंट्स है वो मुझे कभी नहीं भूलते. तो ये जो आर्टिकल 14 है इसको भी आप छह कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड करके इसकी लैंग्वेज को हमेशा आप ऐसे याद रख सकते हैं. द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द
territory of India. The state shall not deny to any person equality before law or equal protection of the laws within the territory of India. Sixth actually point nahi hai, dekha jaye to 5 hisson mein ye divided hai, but isse just wo extend karne ke liye that the state shall not deny to any person equality before the law, isse aap 6 hisson mein divide kar sakte hain. So the first thing is that the state shall not deny. That means it is the responsibility of the state and not a private individual towards ensuring equality within the territory of India is concerned. Second is to any person. This right is not citizen centric. It applies equally to non-citizens also. Equality before the law, equal protection of the laws, but lastly and most importantly, within the territory of India. So even if it is any person or any citizen who is outside the territory of India and is facing discrimination, such a person cannot come back to India and say that his fundamental right of Article 14 has been violated, because it very specifically applies to the territory of India itself. अब पहले देखते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ को और फिर आएंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज पे एंड देन वी विल जस्ट कंपेयर दीज टू कॉन्सेप्ट्स नाउ. बट बहुत ही बेसिकली आप में से कुछ लोग जिन्होंने जूरिस प्रूडेंस की क्लासेस अटेंड की हैं, आई रिमेम्बर एक क्लास में मैंने वो डायग्राम भेजा था जिसमें ये जो टर्म्स थी इक्वालिटी इक्विटी और जस्टिस इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था. सो मे बी वन ऑफ यू वन ऑफ द ओल्ड स्टूडेंट्स वुड लाइक टू टेक अस थ्रू दीज थ्री कॉन्सेप्ट इससे पहले कि हम इस पूरे कॉन्सेप्ट की डिस्कशन पे आए इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज. वुड एनी वन वॉन्ट टू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स इक्वालिटी इक्विटी एंड जस्टिस? आप एग्जाम्पल से समझा सकते हैं. मैम मैं कोशिश कर सकता हूँ अगर कोई और ना बोलना चाहे तो. हाँ बोलो. मैम इक्वालिटी मतलब कि इक्वालिटी मतलब सब लोग बराबर हो, ठीक है. उसमें ये डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कि मतलब कोई एक कंपैरेटिवली डिसएडवांटेज है कि नहीं. इक्वालिटी मतलब कि अगर एक कॉम्पिटिशन है या कुछ भी है तो उसमें सब लोग बराबर हो, ये इक्वालिटी है. इक्विटी मतलब कि हर इंसान की कैपेसिटी के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा. मतलब जो अनइक्वल्स हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं, अनइक्वल्स के साथ मतलब जिनमें डिफरेंसेस उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट, ताकि सब लोग एक स्टैंड पॉइंट बराबर स्टैंड पॉइंट पे खड़े हो सके. यस सर. और मैम इसका शायद डायग्राम वो तीन बच्चों वाला है क्या, कि एक हाई छोटा होता है तो उसको बड़े वाले इस पे खड़ा करते हैं फिर ऐसे. हाँ वो मैच देखने वाला ही है इसमें. और जस्टिस क्या हुआ, लॉटरी वाला भी है. हाँ ऐसे दो तीन है ना. आई रिमेम्बर देयर वाज अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस. एंड जस्टिस क्या होता है फिर, अगर इक्वालिटी और इक्विटी तो आपने बहुत अच्छे से बताया, जस्टिस क्या है? मैम एक्चुअली ना जस्टिस को इक्वालिटी में अपन प्योर इक्वालिटी उसमें नहीं डाल सकते. और इक्विटी और जस्टिस लगभग न्याय तो वो बराबर ही होंगे, मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इक्विटी और जस्टिस में. बट जस्टिस के और भी डायमेंशन हो सकते हैं. ओके सो मे बी जस्टिस. तो क्या हम ये कह सकते हैं आर्टिकल 14 के कॉन्टेक्स्ट में कि फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 14 इक्वालिटी के बारे में बात करता है, जो कि जैसा कि आप पहली लाइन में भी देख रहे हैं, इट इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट दैट देयर शैल बी नो प्रिविलेज्ड पर्सन और ऑन ऑन और क्लास एंड नन शैल बी अबव द लॉ. कि मतलब एक बेंचमार्क सेट कर दिया गया है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है. नो मैटर हाउ हाई यू आर द लॉ इज अबव यू. इट्स अ ब्लैंकेट प्रिंसिपल कि लॉ मतलब आप अपनी कैटेगरी के अंदर एक सर्टन लेवल पे हो सकते हैं, या फिर आप एक कंट्री के अंदर रह रहे हैं जिसके अंदर बिलियनर्स भी रहते हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग भी रहते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू लॉ, एक बिलियनर और एक पर्सन हु इज बिलो द पॉवर्टी लाइन वुड बी ट्रीटेड एट द सेम वे. तो एक इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज नथिंग बट अ थ्रेशोल्ड, कि जितने भी लोग हैं वो सब इस बार के नीचे हैं, राइट. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट कैन वी से दैट इक्वालिटी इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, इट इज अ थ्रेशोल्ड. इक्विटी इज मोर अबाउट categorizations and putting people in those categories or classifications, jo hum reasonable, differentiable, intelligible, intelligible
डिफरेंशियल और रीजनेबल क्लासिफिकेशन की कॉन्टेक्स्ट में कवर करते हैं. और एंड जस्टिस इज तो इक्वालिटी और इक्विटी के ये दो प्रिंसिपल्स आपको मिले आर्टिकल 14 के अंदर. बट जब हम आर्टिकल 14 को पढ़ते हैं आर्टिकल 19 दैट इज फंडामेंटल फ्रीडम्स या आर्टिकल 21 के साथ, दैट इज व्हेन दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर रेड इन जक्सटापोजिशन विद अदर राइट्स सो फार एज देयर एप्लीकेबिलिटी इज कंसर्न, एज वेरी राइटली पॉइंटेड आउट बाय माहिम दैट जस्टिस हैज डिफरेंट डायमेंशंस टू इट. तो जब एक राइट टू इक्वालिटी को दूसरे राइट्स के साथ पढ़ा जाता है और उसकी एप्लीकेशन पे फोकस किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को आप जस्टिस बोलते हैं. तो आर्टिकल 14 के अंदर आपको सिर्फ इक्वालिटी और इक्विटी मिलेगा. इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज इक्वालिटी एंड इक्विटी इज इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉज, दैट इज देयर इज अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन सो फार एज द राइट टू इक्वालिटी इज कंसर्न, बिकॉज इट कैनॉट बी अ ब्लैंकेट राइट पर से. But when we are talking about justice, we are essentially seeing how right to equality can be read in juxtaposition with other rights such as fundamental freedoms and Article 21, which is right to equality. Jo students is class mein naye hai, I would particularly request you ki Article 21 ke paas jo discussion hui thi, उस लेक्चर को आप एक बार डेफिनेटली रेफर करो, ताकि क्योंकि वहां पर भी हमने ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आर्टिकल 14 को लेकर और आर्टिकल 19 को लेकर उसे बहुत ही ब्रीफ मैनर में डिस्कस किया था, पर्टिकुलरली व्हेन वी वर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. सो मेक श्योर दैट फॉर दोज हु आर न्यू, यू आर डेफिनेटली आफ्टर दिस लेसन रेफरिंग टू दैट पर्टिकुलर लेक्चर टू हैव अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग. और जिन लोगों को नहीं याद है प्लीज रिवाइज थ्रू दैट क्लास ऑल्सो. Now, coming back to the principle of equality before law, it essentially says that no one is going to have any special privilege or favor in comparison to the other. It essentially tells you that it is the obligation upon the state to bring about that the machinery of law is that a machinery of law is used in order to bring in a more equal society. जैसे हमने रूल ऑफ लॉ के भी जब वो तीन फैसेट्स को देखा तो हमने देखा कि सब लोगों के ऊपर एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ लगनी चाहिए और सब लोगों का ट्रायल एक ऑर्डिनरी कोर्ट के अंदर होना चाहिए. सो लेट इट बी अ मनु शर्मा, लेट इट बी अ मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर ऑफ द पार्लियामेंट, लेट इट बी एनी इंडिविजुअल हु इज अ वीआईपी, लेट इट बी अ रॉबर्ट वाड्रा, जब उनके ऊपर ट्रायल केस चलेगा, और लेट इट बी एन इंदिरा गांधी ऑल्सो फॉर दैट मैटर हु हैज फेस्ड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन हर टेन्योर एज द प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ, बिकॉज आर्टिकल 361 जो है वो तो सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर अप्लाई होता है. एक टाइम ऐसा था जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को कोर्ट में बुलाया गया था. तो आप कहां पर भी हों सोसाइटी में, किसी भी पोजिशन पे हों, जब आपको एक लॉ के ऊपर सब्जेक्ट करने की जरूरत है या जब आपके ऊपर एक ट्रायल चलेगा, वो बिल्कुल ही वैसे चलेगा जैसे हर इंडिविजुअल के लिए, एक आम इंसान के लिए चलना चाहिए. तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ को देखते हैं, जो कि कुछ नहीं है बट रूल ऑफ लॉ है. बट रूल ऑफ लॉ हम ऑलरेडी देख चुके हैं दैट दिस प्रिंसिपल इज नॉट एब्सोल्यूट, एन एक्सेप्शन टू द सेम बीइंग आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी. जहां पर इक्वालिटी बिफोर द लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, वहीं पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, विच इसेंशियली मीन्स दैट लाइक्स मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक और ऑल पर्सन्स सिमिलरली प्लेस्ड मस्ट बी ट्रीटेड सिमिलरली. इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इफ यू हैव टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या होगा? रिजर्वेशन. How is reservation an example of equal protection of laws? Achha, no, that will be the, yeah. Any equal protection of laws aapki daily life mein kaafi apply kiya jata hai. Yes, ma'am? Ma'am, reservations ko explain kar sakte hai kya? See, reservations का जो ज्यादा इम्पोर्टेंस है वो आप देखोगे आर्टिकल 16 के अंदर. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के अंदर वो ऐसा बैठता कह सकते हैं एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, बट रिजर्वेशंस के अंदर भी तो सब क्लासिफिकेशंस इतनी आ जाती है. तो आई वुड नॉट से दैट दैट इज वन ऑफ द वेरी
that's one of the most non-complex answers when it comes to equal protection. मैं तो आपकी day-to-day life में पूछ रही हूँ कि आप equal protection of laws कहाँ observe करते हैं. Reservations is not a simple answer to it. You cannot मतलब कह सकते हैं, but reservations के आगे बहुत sub categories आ जाती हैं जिनको हम article 16 के अंदर देखेंगे ही. Yes, ma'am. Ma'am, ये जो भी government के ऐसे policies या laws होते हैं ना जिनसे लोगों को particular benefit provide किया जाए trade में, जैसे कि medium sector, small और medium sector enterprises के लिए special scheme लाना, या फिर farmers को जो farmers जो reservation for women in metro. Good. So maternity leave could be an example that all women who are expecting and are working in the government sector should be given 6 months of maternity leave. But मैं तो बहुत ही एक simple सा example पूछ रही थी. Tax laws guys, जब आप income tax भरते हो या आपके parents भरते हैं, you're falling in certain brackets, no? So a millionaire would be paying a different amount of income tax in comparison to a person whose annual income is not more than 5 lakh rupees. Right. So in fact, that person would not be paying any tax at all. So this was the most blatant example of equal protection of the laws, your tax laws. या फिर हमने अपनी पिछली constitution की class में जो last के कुछ articles पढ़े, article 33 देखा हमने, 34 देखा, उस context में हमने देखा कि fundamental rights के respect में भी कुछ exceptions लगाई जा सकती हैं. तो जैसे जो लोग armed forces में हैं, police में हैं, RAW में हैं या IB में हैं, उनके ऊपर limited तरीके से fundamental rights apply किए जा सकते हैं. तो क्या ये एक example नहीं है reasonable classification का? That a person who is in the armed forces or a person who is let's say there's a person who is a civil servant, who's an IAS officer, and there's a person who's an IPS officer. Now, क्या इनको हम अलग-अलग categories में रख सकते हैं, despite the fact that they are government servants in general, या even judges for that matter, रख सकते हैं? The answer to it being that it's a very reasonable classification. Their roles have been defined as per their job. So, अगर एक IPS officer के लिए आप कह सकते हैं कि ये compulsory है that he has to have a revolver with him for the purposes of performing his duty, the same justification cannot be applied in context of an IAS officer or maybe an Indian Revenue Services officer, right? Because it would not be such a non-classification for that matter, would not be reasonable. तो यहाँ पर आपका एक concept आता है equal protection of laws का, जो इक्वालिटी को इक्विप तो करता है बट कैटेगरीज के अंदर या क्लासिफिकेशंस के अंदर, सेइंग दैट लाइक्स मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक. सो इट इज अ लाइक सिनेरियो दैट ऑल आईपीएस ऑफिसर्स वुड बी गिवन अ रिवॉल्वर और अ वेपन सो फार एज परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी इज कंसर्न. बट द सेम वुड नॉट बी फॉर एन आईएएस ऑफिसर बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग विच फॉल्स विद इन हिज लाइन ऑफ ड्यूटीज. सो व्हेनेवर यू आर साइटिंग एग्जांपल्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में तो पर्टिकुलरली टैक्स का एग्जाम्पल दो, मोर देन साइटिंग कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स. आपको लिटरली यहाँ पर फ्री के पॉइंट्स मिलेंगे रादर देन सॉर्ट ऑफ बीटिंग अराउंड द बुश इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज कुड बी. नाउ so far as the right to equality is concerned, एक बहुत ही अच्छी लाइन थी NAS Foundation versus Government of Delhi के केस में, और इस लाइन को काफी बार as question पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर, जहां पर ये कहा गया that Article 14 is the genus, whereas Articles 15 and 16 are species. It also said that Article 14 is to be read with Article 21 and cannot be read in isolation. इस पूरी जो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इनके एथिक्स, इनके इथोस को हम समझेंगे अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर. बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू अ कपल ऑफ केस लॉज जो आपको ये जो दो टर्म्स हैं जिनको मैं इस क्लास में काफी बार मेंशन कर चुकी हूँ, रीजनेबल क्लासिफिकेशन और इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, इसे डिस्कस करेंगे. इससे पहले ये जो दो टर्म्स हैं इन्हें एक थर्ड टर्म के साथ आर्बिट्रेरीनेस के साथ पढ़ा जाता है, बट दैट इज मोस्टली अ प्रिंसिपल जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ज्यादा डिस्कस करते हैं. In that context, there's a very famous case of Balmukund Bairwa, that is road, State Road Transportation Corporation versus Balmukund Bairwa, jahan pe ye kaha gaya that non-compliance with principles of natural justice would amount to arbitrariness under Article 14. So, abhi tak to humne do hi pillars dekhe the Article 14 ke, equal protection of laws and equality before the law, but in do terms ko hamesha ek term justice ke saath padha jata hai. The opposite of the term justice is always arbitrariness.
There was this case of Ashutosh Gupta versus State of Rajasthan, जहाँ पर ये जो term है reasonable classification या rational nexus या reasonable classification या rational classification I was going to say, ये term को सबसे पहले यहाँ पर use किया गया. It said if the law in question is based on rational classification, जिसको आप पढ़ सकते हैं reasonable classification या rational nexus also, is not regarded as discriminatory when there is an equality of opportunity and such equality of opportunity is based on the principle of non-discrimination as well as affirmative action. ये principles of non-discrimination और affirmative action देखने में हमें बहुत fancy लगते हैं. Particularly हम इन्हें पढ़ेंगे article 16 और article 15 के अंदर. Particularly आप affirmative action की आज की date में अगर आप you're reading in your live laws or other websites, you must be familiar that the topper of NLS at this point of time is an IDI scholar. It's a big achievement. And they're discussing her achievement in light of an affirmative action. कि उसको वो support provide किया गया. And that is why the things turned out the way it did. And she has greater opportunities to do better things in life as of now. So, but is in do principles ko agar aap dekhte ho, agar aap samajh rahe ho equality before law or equal protection of laws ke meaning ko, to aap ye dekh rahe ho non-discrimination principle, negative concept, each individual is equal, affirmative principle, positive concept, anyone who should be given an equality of opportunity because of a certain classification must be given so or must be catered to. अब इसके अंदर हम देखते हैं reasonable classification, जिसका मतलब उस case law के अंदर सबसे पहले cite किया गया, इसका exactly meaning क्या है. Article 14 as such class legislations को promote नहीं करता है. Reasonable classification का मतलब class legislations नहीं है. So an article 14 per se would not say that the government should have an all-boys school unless there is a need to have an all-boys school. For instance, एक सैनिक school है. सैनिक school का purpose ये रहता है कि वो शुरू से ही students को या बच्चों को train करना शुरू करते हैं armed forces की तरफ. So if there is a reasonable classification for an all-girls school or an all-boys school or a maternity leave for women or a band of individuals falling in certain incomes to be paying certain taxes. अगर एक reasonable classification है, जिसका एक nexus जो है, वो rational है, उसके साथ एक reason ऐसी जुड़ी है कि वो classification होनी चाहिए, तब ऐसी classification justified है article 14 के अंदर. पर इसका मतलब ये नहीं है कि article 14 class legislations को promote करता है, या फिर classifications को as such promote करता है. So it does not forbid reasonable classification of persons, objects and transactions by legislature for the purpose of achieving specific ends. However, for a classification to be reasonable, it must fulfill two tests. Jaisa ki humne pehle bhi dekha ki the opposite of PNJ or the opposite of equality or the opposite of justice is arbitrariness. So the first and foremost test of reasonable classification is that such a law or such an action should not be arbitrary, artificial or evasive. इसे अगर एक ही वर्ड में याद रखना है तो हमेशा arbitrary के तरीके से याद रखना. You will never forget. Reasonable classification is something which is not arbitrary. It should be based on an intelligible differentia. So what is it which is not arbitrary? Is something which is based on an intelligible differentia. Now what is a intelligible differentia? It is some real substantial distinction which distinguishes persons, goods or persons or things grouped together in class from the others left out. So ek sainik school ka rationale kya hai? That these students are being trained in a highly disciplinary manner for them to be joining the armed forces at a future date. या फिर मटर्निटी लीव फॉर सिक्स मंथ्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर का रैशनल क्या है? दैट अ वुमन रिक्वायर्स दैट फॉर हर बॉडी टू गेट बैक इनटू इट्स ओरिजिनल, आई वुडंट से शेप, दैट्स नॉट द राइट वर्ड हियर, बट इन इट्स ओरिजिनल विगर एंड टू बी एबल टू एडजस्ट विद द न्यू नीड्स ऑफ द चाइल्ड विद इन दोस सिक्स विद इन द टाइम ऑफ सिक्स मंथ्स. सो जहां पर एक
रैशनल नेक्सस जुड़ रहा है, जहां पर एक क्लासिफिकेशन के साथ एक रीजन आ रही है जो रीजन जस्टिफाई करती है उस क्लासिफिकेशन को, ऐसी क्लासिफिकेशन वैलिड होगी क्योंकि वो आर्बिट्ररी नहीं होगी, और ऐसी क्लासिफिकेशन बेस्ड होगी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया. द सेकेंड इज दैट द डिफरेंशियल अडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मस्ट हैव अ रैशनल नेक्सस with the object that is being sought to be achieved by the statute in question. So the rational nexus or the rationality behind a maternity leave is again that it takes 6 months for the child to grow in a healthy manner if that child is in constant touch with the mother. That is something which justifies a maternity leave. But I'm sure Raju would like to take us through this case of Air India versus Nargis Mirza. Raju, I remember you mentioning this case in one of our class discussions. So would you quickly like to tell us why that case would not fall within these two categories? Ma'am, usme kya hua tha ki ma'am isme age ka bana liya tha koi matlab classification kiya tha ki air hostess hogi particular age ki wo particular time age se pehle retire hogi aur jo male aur female mein usme difference kar diya gaya tha. तो मैम तो ये इसमें ये बोला था कि तो मैम इसमें ये बोला था कि ये रीजनेबल नहीं है क्योंकि जब तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं होगा, आर्बिटरी है ये, क्योंकि जब तुम मेल के लिए अलग एज लिमिट रख रहे हो और फीमेल के लिए अलग एज लिमिट रख रहे हो और सेम ही प्रोफेशन के लिए तो सर ये तो ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन में नहीं आएगा. और ये रैशनल नेक्सस क्यों मिसिंग था यहाँ पर? Ma'am, rational nexus, I'm not sure, ma'am. I need to check it. Okay. So this case essentially, as Raju pointed out the facts very well, this case essentially stated that a regulation providing for termination of service of an air hostess in Air India International on her first pregnancy has been held to be arbitrary and abhorrent to the notions of a civilized society. Right? So basically, yahan par ek classification to hui. वो क्लासिफिकेशन किया थी दैट इफ एन एयर होस्टेस बेयर्स अ चाइल्ड शी वुड बी टर्मिनेटेड फ्रॉम हर सर्विस. बट क्या ये क्लासिफिकेशन जो थी ये एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे बेस्ड थी? क्या यहाँ पर एक जो कह सकते हैं जो इस क्लासिफिकेशन का कनेक्शन था वो आर्टिकल 14 से उस कॉन्टेक्स्ट में था कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ को प्रमोट कर रहा है? नो, इट वॉज ब्लेटेंटली आर्बिट्ररी, इट वॉज ब्लेटेंटली अ क्लासिफिकेशन विच वॉज नॉट बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, विच वॉज नॉट बेस्ड ऑन अ रीजन विच वुड प्रमोट इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज. So despite the fact that it was a class action, despite the fact that it was a class legislation or a class, decision that was taken, first and foremost, on account of being arbitrary, it was shot down. And second was that these two terms, the intelligible differentia as well as rational nexus or reasonable nexus, they are sort of to be read together only. तो यहाँ पर ये जो रैशनल नेक्सस या रीजनेबल नेक्सस जो मिसिंग है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपकी जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है दैट हैज टू बी ऑन द पर्पस ऑफ अचीविंग अ स्पेसिफिक एंड. नाउ द एंड दैट वाज कमिंग इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ अ लेडी हु बियर्स अ चाइल्ड फ्रॉम एयर इंडिया, उसका एंड क्या है? इज द एंड जस्टिफाइंग राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14? The answer to it is no, and that is why, despite the fact that it spoke about classification, it did not fall within these two categories, and the law was held to be void under Article 14 of the Constitution. Any doubts still here? No, ma'am. Okay, so I'm going to conclude today's lesson here only. Tomorrow there are going to be a plethora of cases that we're going to see in Article 14. Mainly to help you write your answers. If you want to take a try towards answer writing for peer review, please write an answer to this question. Iske upar kafi frequently questions aate hain. Article 14 is the genus, Article 15 and 16 are the species. Isko hum usually ise hum 2-3 lectures ki series mein in is statement ko justify karenge. But if you feel that you have a good hold over Article 14, you might want to try giving an answer to this question. Right. So on that note, I will conclude today's lesson and we'll continue with this topic tomorrow. Thank you.